एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने कल आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में बताया था। तो लाइक टर्म, द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म इज ए लाइक टर्म हुज कोफिशिएंट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन लाइक टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 4x एंड 3x, ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म है, वेरिएबल दोनों के क्या हैं, सेम है। और अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगी, 4x में 3x प्लस कर देंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 7x। ये वेरिएबल क्योंकि क्या थे, सेम थे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x, तो 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, 7x। जैसे मैंने अभी एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर वाई जेड, ये पावर है, x की पावर 2 है, ठीक है, डिग्री उसकी 2 है, और सेकंड है माइनस 2 और पावर है x स्क्वायर वाई जेड, x की पावर 2 है, ठीक है, एंड 4x स्क्वायर वाई जेड, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर ये भी x स्क्वायर वाई जेड है, ये भी x स्क्वायर वाई जेड है, ये भी x स्क्वायर वाई जेड है, तीनों टर्म्स हमारी क्या हैं, लाइक टर्म है। तो अब हमें इसे ऐड करना है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर वाई जेड का 4 प्लस 4, यहाँ पर क्या है माइनस 2, यहाँ पर क्या है प्लस 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, 2 यहाँ पर क्या है ये माइनस 2, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 और ये प्लस 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर वाई जेड। समझ आया, ये मैंने इसको हॉरिजेंटल मेथड से कर दिया है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर वाई जेड, अगेन हमें ऐड करना था माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड, और फिर हमें ऐड करना है 4x स्क्वायर वाई जेड। अब हमें इसे तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ये हमारा प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2 क्योंकि लाइक टर्म थी, तो ये ऐड करके हमारा क्या बच गया, सिर्फ 4x स्क्वायर वाई जेड। अब हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ऐड करो 5ab माइनस 3ab माइनस 2ab 6ab माइनस ab, ये सारी टर्म्स कौन सी हैं, पहले लाइक टर्म है सारी, तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो हम लिखने का तरीका देखो, पहले 5ab में क्या प्लस करना है, माइनस 3ab, ab मैंने बाहर लिख दिया, ये इस तरह से लिख दिया, प्लस और क्या करना है, माइनस 2ab, फिर प्लस क्या करना है, 6ab, फिर उसके बाद प्लस क्या है, माइनस 1 यहाँ पर ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर ab का कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ पर क्या है ab का कोफिशिएंट, 6, और इन सब में हमारे पास माइनस था, तो पहले हमें 5 नमेरिकल नंबर, यहाँ 5 है, ab का नमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ ab का नमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3, प्लस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर क्या है प्लस 6, और यहाँ पर क्या है माइनस 1, और ए भी मैंने बाहर लिख दिया। अब इसे हम प्लस करेंगे सबको, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6, ये तीनों माइनस के थे, तो 3 प्लस 2 5 और ये 1 माइनस 6, माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, 5ab, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 5ab। और अगर इस तरह से आ जाता है हमारा सिंप्लीफाई 7xy माइनस 3xy माइनस 6xy प्लस xy और माइनस 5xy, इन सबको भी हमें सिंप्लीफाई करना है।
सारी टर्म्स हमारी क्या हैं, पहले लाइव टर्म पहले ये चेक कर लेनी है कि कैसी टर्म्स हैं हमारी। अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते समय कहीं माइनस का साइन है, कहीं हमारा प्लस का साइन है, जहाँ पर कोई साइन नहीं है वहाँ इट मीन्स 7 प्लस का भी बनाएंगे। तो अब हमारा टर्म तो हमारी सारी क्या है, लाइक टर्म है, और सबका कोफिशेंट नोट करो, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशेंट -5, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशेंट +1, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशेंट -6, यहाँ एक्स वाई का कोफिशेंट -3, यहाँ एक्स वाई का कोफिशेंट +7। तो 7 यहाँ पर ये -3, यहाँ पर ये -6, यहाँ पर ये +1, और यहाँ पर ये -5, और इसके बाहर हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई। तो अब हम इसे जो माइनस होते हैं माइनस करेंगे, 7 + 1 क्या आएगा हमारा, +8, और 3 + 6 ये 9, 9 और 5 14 माइनस का, तो -14 में से 8 चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -6x1। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ गया, -6x1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड द एक्सप्रेशन 3a - 2b + 5c एंड 4a + 7b - 9c। इस सारे एक्सप्रेशन में हमें ये एक्सप्रेशन ऐड करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग यूज हुए हैं, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। तो मैंने पहले फर्स्ट कॉलम मेथड यूज कर रही हूँ, 3a - 2b + 5c, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। तो इसके नीचे जब हमें ये ऐड करना है, तो a के नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, तो 4a, ठीक है, यहाँ पर +7b, यहाँ पर -9c, ठीक है। और अगर कुछ और लेटर भी यूज हुआ होता, कुछ और वेरिएबल भी यूज हुआ होता, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो हम उसे सेपरेट लिखते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है, तो 3 में 4 प्लस करेंगे क्या आएगा, +7, ठीक है, +7b में से -2 चला गया, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, +5b, -9 प्लस 5 इंटीजर है ना, तो ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4c। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो मैंने मेथड बताया आपको, कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से, आपको जो भी समझ आए दोनों मेथड में से, दोनों मेथड आप कर सकते हो। तो कैसे ऐड करेंगे इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से, पहला है हमारा 3a - 2b + 5c, इसमें हमें क्या प्लस करना है, 4a + 7b - 9c, इस तरह से पहले लिख लिया। अब लाइक टर्म को इकट्ठा लिखा, 3a + 4a, -2b + 7b, ये क्या है, लाइक टर्म है। उसके बाद 5c - 9c, ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म है। अब यहाँ पर a बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में दोनों के न्यूमेरिकल नंबर लिख दिए, यहाँ पर a का कोफिशेंट 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर b बाहर लिख दिया और अंदर यहाँ पर -2 और यहाँ पर +7। इसी तरह से यहाँ पर c हमने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोफिशेंट 5 है और यहाँ पर -9। उसके बाद 3 + 4 क्या होता है, 7। 7 में से 2 चला गया +5b, -9 में से 5 चला गया -4c। चाहे आप ये वाला मेथड यूज करो चाहे ये वाला, बोथ आर सेम, ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये हमारा था कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं। अब हमारा टॉपिक इसमें है सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म। हम लाइक टर्म को, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का वेरिएबल सेम है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम वाली जो डिजिट आगे फ्रॉम के बाद दिया होता है, जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो -7x को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12x में से, तो 12x पहले आएगा और सब्ट्रैक्ट का साइन डाला, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -7x,
12x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -7x। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, +7x। तो सेम प्रोसेस हो गया ना एडिशन वाले की तरह। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 12 है, यहाँ पर +7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 19x। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -7a में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 12a। यहाँ पर साइन प्लस ही दे रखा था तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये वेरिएबल हमारे क्या हैं, सेम है, और यहाँ पर कोफिशिएंट। ये स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले वाले वीडियो में मैंने सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन बताया था, अभी उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। सेकंड है सब्ट्रैक्ट 12a फ्रॉम -7a। -7a में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 12a। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और ये दोनों टर्म लाइक हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट -7 है a का, और यहाँ पर क्या है, -12। तो -7 -12 दोनों इंटीजर हमारे क्या हैं, माइनस के हैं, तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -19 है। और सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है आपको, थोड़ा सा चेंज है ये, सब्ट्रैक्ट करना है आपको a ब्रैकेट में b -5 फ्रॉम b ब्रैकेट में 5 -a। तो ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, a ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमें a दे रखा है, तो a को मल्टीप्लाई b से करेंगे a भी आएगा, a को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 भी आएगा, और फ्रॉम b को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 भी आएगा, और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, या बी ए भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे ए बी लिखो या बी ए लिखो, क्योंकि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए बी आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा। अब जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है उसे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ए बी -5 है, इस ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि ये दोनों हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से, तो 5b -ab, माइनस अंदर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 5b और ये 5a दोनों लाइक टर्म नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, लेकिन ab और ab ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट -1 है, -1ab -1ab हमारा क्या होगा, -2ab, और ये है हमारा +5a। अब ये तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, यहाँ पर वेरिएबल a यूज़ है, यहाँ पर b यूज़ है, यहाँ पर ab यूज़ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमें फिर से ये एक्सप्रेशन 5a² पावर दे रखी है ना, इसे डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर a की डिग्री 2 है, यहाँ पर b की डिग्री 2 है, यहाँ पर भी a की डिग्री 2 है, b की 2 है, और यहाँ पर a की पावर 1, b की पावर 1, जहाँ पर पावर नहीं दे रखी वहाँ 1 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन में से, ये वाले एक्सप्रेशन में से, फ्रॉम के बाद वाला जो दे रखा है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 3ab -2a² -2b². अभी मैंने कॉलम मेथड पीछे बताया था, अभी हॉरिजॉन्टल मेथड में बता देती हूँ कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया, इस एक्सप्रेशन के बाहर 5a² -7ab +5b², ठीक है। अब 3ab -2a² -2b², ये साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी माइनस। उसके बाद अब लाइक टर्म देखो कौन कौन सी हैं, एक तो 3ab और 7ab, ये हमारी दोनों लाइक टर्म हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये -2a²
और ये है हमारा माइनस फाइव ए स्क्वायर, इन दोनों को भी इकट्ठा लिख दिया, और ये है हमारा माइनस टू बी स्क्वायर और ये है हमारा माइनस फाइव बी स्क्वायर। अब हम ऐड करेंगे, लाइक में लाइक ही ऐड होगा, तो यहाँ पर ए बी है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ कोफिशियंट थ्री है और यहाँ पर प्लस सेवन, और इन दोनों का यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर या यहाँ पर यहाँ प्लस अगर लिखा है आपने तो अंदर क्या है माइनस टू और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस फाइव, यहाँ पर भी अगर मैंने प्लस लिखा है बी स्क्वायर और यहाँ अंदर माइनस टू और ये भी क्या है हमारा माइनस फाइव, तो ये थ्री प्लस सेवन ये हमारा आ गया टेन ए बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर इधर भी लिख सकते हो, ये बी स्क्वायर इधर भी लिख सकते हो, माइनस टू माइनस फाइव या पहले न्यूमेरिकल नंबर लिख देते हैं, ए स्क्वायर इधर लिख देते हैं, यहाँ पर भी ये बी स्क्वायर हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस टू और माइनस फाइव दोनों ऐड करेंगे क्या आएगा माइनस सेवन, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन ए स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या है माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन और यहाँ प्लस है तो माइनस सेवन बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और कॉलम मेथड दोनों से ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू हैव टू कंप्लीट 5.2 एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 तक ऐड और सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।